पायरोट का पोजीशन देख लें, या तो गेट का एरो मार्क जो है वो देख लें, या तो ये हम नंबर देख लें, ठीक है। तीनों से पता चल रहा है हमारा ई चैनल है। अब देखिए, कभी आपका नंबर और डायोड का पोजीशन मिसमैच करे तो वैलिड कौन सा रहेगा? हमारा डायोड का पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमें इसी से पता चलेगा। तो डायोड का पोजीशन हमने लिख लिया ड्रेन सोर्स की तरफ है, एरो मार्क देख लिया गेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे हमने देख लिया नंबर से 4835 है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये हमारा पी चैनल हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9 मिले तो हमारा पी चैनल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, गेट पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, सॉरी गेट कह रहा हूँ, सोर्स पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 19 वोल्ट में। तो ये तो हमें पता है इंडक्टर से 19 वोल्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये क्या है हमारा पी चैनल मॉस्फेट है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि ये हमारा जो मॉस्फेट है ये एसी फेट है या आरबी फेट है, जिससे कुछ उसी को बताना है। आप बताइए ये एसी फेट है कि पीछे, आप बताइए एसी फेट है कि आरबी फेट है? एसी फेट, इनका एसी फेट है, पीछे एसी फेट, आपका एसी फेट, इधर एसी, आप दोनों का एसी फेट, ठीक है। तो ये हमारा मॉस्फेट कौन सा है? एसी फेट। तो ये अगर हमारा मॉस्फेट एसी फेट है तो मैंने बताया है आपको एडाप्टर के लिए इम्पोर्टेंट मॉस्फेट हो जाता है ये, क्योंकि जब तक इस मॉस्फेट का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तब तक ये इधर से पास करने नहीं देगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एसी फेट हो जाता है मॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि इसके सोर्स पे 19 वोल्ट है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये सर्किट बता सकते हैं ये कौन सा सर्किट है? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है हमारा, मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपको किसी भी मदरबोर्ड पे कहीं पे भी किसी भी सेक्शन पे मिल सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है कि मदरबोर्ड पे कहीं पे एक जगह मिलेगा आपको। वोल्टेज डिवाइडर का काम है रजिस्टर की हेल्प से वोल्टेज को डिवाइड करना, तो ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई बताना चाहेगा वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला? बताइए क्या है वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला? ये जो वोल्टेज 19 वोल्ट इसके सोर्स पे जा रहे हैं वही वोल्टेज यहाँ से PR162 जो रजिस्टर लगा हुआ है इसके इनपुट पे आ रहा है। तो ये जिस रजिस्टर पे हमारा इनपुट वोल्टेज आता है वो हमारा क्या हो जाता है? R1 बन जाता है रजिस्टर हमारा। तो ये रजिस्टर हमारा R1 हो गया, और जो PR161 है इसका टर्मिनल हमारा किससे है? एक नंबर टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि जो टर्मिनल ग्राउंड से, जिस रजिस्टर की कनेक्टिविटी ग्राउंड से होती है वो हमारा R2 हो जाता है। तो ये हमारा R1 हो गया और ये रजिस्टर हमारा R2 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच से हमारा आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे जा रहा है? गेट पे जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये मॉस्फेट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि इसके गेट बीच में बन रहे हैं, मदरबोर्ड का ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए बताया गया है कि गेट किधर है। मॉस्फेट आपको मदरबोर्ड पे जब भी मिला है 4 पिन एक तरफ और दूसरे साइड आपको 4 पिन मिलेंगे। तो ये आपको कंफ्यूज मत होइएगा इसको देखे कि गेट बीच में कहाँ से आ गया हमारा, ये समझाने के लिए बताया गया। मदरबोर्ड पे वैसा ही मिलेगा जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इनपुट पे हमारा 19 वोल्ट है, आप यहाँ पे आप कैलकुलेट करके बताइए कि गेट पे कितना वोल्टेज होगा। जल्दी कीजिए, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो रजिस्टर ये R1 हो गया, सेकंड वाला जो रजिस्टर है ये हमारा R2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमारा R1 R2 के बीच से जाएगा 3.11 है। तो यहाँ पे हमें गेट पे कितना वोल्टेज मिल रहा है? यहाँ पे हमें गेट पे मिल रहा है आपको यहाँ पे हमें 3.1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट।
आप यहाँ पे देखे गेट की रिक्वायरमेंट कितनी की, आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यहाँ हमारा क्या है इनपुट किस पे आ रहा है, इसके सोर्स पे आ रहा है ना हमारा। तो आपने पढ़ा था ना कि गेट पे कितना वोल्टेज बनता है, बनना चाहिए, बताइए कौन बताना चाहेगा यहाँ पे? 7 वोल्ट। आप लोग बताइए कितना बनना चाहिए? 0.7। आपका कितना था? आप लोग बताइए कितना बनना चाहिए था, नहीं पता आपको? बताइए। हाँ, तो मैंने बताया था यहाँ पे, याद रखना है कि अगर इसके सोर्स पे 19 आ रहा है हमारा, तो मैंने बताया था इसका रेंज क्या है, 0 से लेके 9.5 के बीच में कुछ भी बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एडजस्ट स्विच वर्क करेगा। तो वोल्टेज सेक्शन में हमें पता है कि जो दो भी मॉस्फेट लगे हुए रहते हैं वो क्या काम करते हैं, एज ए स्विच वर्क करते हैं। तो जब तक गेट का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तब तक वो एज ए स्विच वर्क नहीं करेंगे। तो अब मैंने बताया था कि इसके गेट पे कितना बनना चाहिए, 0 से लेकर 9.5 के बीच में कुछ भी बन जाए हमारा यहाँ पे, तो ये इसका रेंज है 0 से लेकर 9.5। तो अभी बन कितना रहा है, 3.1, तो ये इसके बीच में ही आ रहा है ना हमारा जो रेंज था। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका गेट का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अगर यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट है इनपुट पे, तो यहाँ पे इसके ड्रेन पे भी हमें 19 वोल्ट मिल जाएगा। क्लियर है या डाउट है इसमें? अब यहाँ पे ये आपका 19 वोल्ट आउट हो गया, और ये 19 वोल्ट पास करके इसके ड्रेन से आगे सर्किट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या रह रहा है, फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम कैपेसिटर लगे हुए हैं।